कहते हैं हमारे चैनल लॉन्ग टर्म स्ट्रेस LTS में, और अगर आप नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। ये देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब का लाल बटन है। और दोस्तों, मैं आज सकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। काफ़ी चर्चित रहा, काफ़ी इसमें गिरावट आई। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इसमें निवेश भी किया रहा होगा, तो काफ़ी नुकसान पे आप होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि इनके जो नतीजे रहे, इनके जो रिजल्ट्स रहे, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं। इस वजह से इस पे जो है स्टॉक प्राइस पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। शुरुआत करते हैं, अगर यहाँ से पहले हम देखते हैं कि कितना पैसा बचा, अगर आपने निवेश किया है, किन को नुकसान है, किन को फ़ायदा है। जो जिन्होंने 10 वर्ष पहले निवेश किया था, उनको जो है 600% के रिटर्न्स मिल रहे हैं अभी भी। जिन्होंने 5 वर्ष पहले निवेश किया, उनको 300%। जिन्होंने 3 साल पहले, उनको 21% के पॉजिटिव। 1 साल पहले जिन्होंने निवेश किया, उनको 56% का लॉस है। ईयर टिल डेट यानी जनवरी से जिन्होंने किया, उनको 72% के नुकसान है। और जिन्होंने 1 month पहले निवेश किया, उनको 21% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 1 week पे भी जिन्होंने निवेश किया, उनको भी लॉस है 12% के आसपास का। तो ये स्थिति है। और अगर हम यहाँ पे देखिए, डिविडेंड पे हम पेज पे हैं, तो डिविडेंड ये प्रतिवर्ष जिस प्रकार से पे करते आ रहे हैं 10% का, तो प्रतिवर्ष 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से पे कर रहे थे। इस वर्ष भी रेशियो वही है, क्योंकि इनकी फेस वैल्यू 10 से 1 की हो गई है, यानी कि 1 शेयर के 10 टुकड़े हो चुके हैं, इसलिए 10 पैसे पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर इन्होंने डिविडेंड पे किया हुआ है। तो कंटिन्यूस ये डिविडेंड पे कर रही है, भले ही एक माइक्रो कैप कंपनी है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर हम डिस्कस कर रहे हैं इस पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ख़रीदने की या बेचने की सलाह दे रहा हूं। हम लोग एक चर्चा कर रहे हैं कि इस कंपनी में क्या आगे भी कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई हमें मुनाफा मिलेगा, या फिर अगर हम लॉस में हैं तो क्या करें। तो मुझे लगता है कि जो लोग निवेशित हैं वो तो बने रहें, नई बाइंग की अभी फ़िलहाल कोई सलाह नहीं है, क्योंकि इनके नतीजे अभी 2-3 quarter तक हमें देखने चाहिए, तभी स्थिति में सुधार हो सकता और तब कोई रणनीति बनाई जा सकती, नहीं तो और भी नीचे जा सकता है। जिस प्रकार से यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग है, तो चिंताजनक है, क्योंकि गिरवी शेयर इन्होंने 14% के आसपास रखे हुए हैं। और ये थोड़ा सा इस क्वार्टर में 19 से और जून 19 में बढ़ चुके हैं, जबकि पहले थी पिछले वर्ष सितंबर और दिसंबर में फाइनेंशियल ईयर 9.87। और प्रमोटर्स के पास 57% के हैं, और उसमें से 14% गिरवी हैं। बाकी देखिए, FIIs बहुत नाम मात्र के हैं, DIIs 20% और अदर्स जो है 21%। कोई भी म्यूचुअल फंड्स या कोई भी इंश्योरेंस की स्कीम इसमें पैसे लगाकर नहीं रखा हुआ है। और अगर हम और कुछ इनका प्राइस देख लेते हैं कि किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है आज की डेट पे, आज है 27 सितंबर 2019 और मार्केट हो चुकी है बंद, क्योंकि बज गए हैं 3:11, मार्केट बंद हो जाएगी थोड़ी देर में। तो सकुमा एक्सपोर्ट 9 रुपये पे BSE पे ट्रेड कर रहा है, और उस साल का हाई था 42 और लो बनाया था 6 रुपये के आसपास। तो हाई से अपने काफ़ी गिरावट है इसमें, मतलब पैसा जिन्होंने निवेश किया था उनका लगभग ख़त्म ही कर दिया, 50% ज़्यादा का इसमें जो नुकसान दिख रहा है। अगर हम चार्ट पैटर्न भी 1 साल का देखते हैं, तो हाई से अपने यहाँ पर लगातार बहुत ज़्यादा गिरावट पे, और अभी फ़िलहाल 9 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक माइक्रो कैप कंपनी है, 194 करोड़ का इनका कैपिटल है, पी रेशियो निकल के आता है 6.45। जिस प्रकार का प्राइस है, जिस प्रकार से इनकी अर्निंग है, बुक वैल्यू है 9 पॉइंट, यानी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जबकि इंडस्ट्री पी है इसकी 31 की, और इसमें EPS है 1.41, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, जैसा कि अभी हमने देखा। फेस वैल्यू मैंने बताया था कि 1 की हो चुकी है, क्योंकि 10 से अभी फेस वैल्यू 10 टुकड़े हुए थे शेयर के। और डिलीवरी इसमें 60% के आसपास है, लोगों ने काफ़ी ले रखा है। तो जो लोग निवेशित हैं वो निवेशित रहें, नई बाइंग की अभी फ़िलहाल इसमें कोई सलाह नहीं है। और अगर हम नतीजे देखते हैं कंसोलिडेटेड, तो देखिए पिछले वर्ष जहां जून 18 में थे 912 करोड़ की इनकी जो सेल्स थी, और मार्च 19 में यानी Q4 में 1475 करोड़ की थी, जून 19 में यानी कि Q1 में हो गई 304, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 304, यानी बहुत गिरावट है इसमें पिछले वर्ष के मुकाबले। जून 18 से जून 19 में अगर कंपेयर करते हैं तो भी गिरावट है, और मार्च 19 से जून 19 में कंपेयर करते हैं क्वार्टरली तो भी बहुत, मतलब इनकी बिक्री हो ही नहीं रही, बहुत कम हो गई है इनकी बिक्री। जो रेवेन्यू इनको आ रहा है नेट सेल्स से, वो बहुत कम है। उसी प्रकार से मार्जिन भी, अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं, तो जहां पिछले वर्ष 12 करोड़ के आसपास का था शुद्ध लाभ, वहीं सीधे 33 करोड़ जहां मार्च 19 में था, तो वहीं से 2 करोड़ 85 लाख रह गया कंसोलिडेटेड।
तो इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन वगैरह है बहुत, जिस प्रकार से इनकी सेल्स है और इनका प्रॉफिट बहुत, मतलब इसमें बहुत ही गिरावट है। तो इसी वजह से इसका स्टॉक भी बहुत टूट चुका है और अभी कितना और टूटेगा हमें ये पता चलेगा आगे आने वाले क्वार्टर के नतीजों में, क्या कि इनका इनकी स्थिति सुधरी है या नहीं सुधरी। जो कर्ज़ा है टोटल इनका पिछले, हालांकि ये थोड़ा एक राहत भरी बात है कि 2018 में मार्च में जो 45 करोड़ कर्ज़ा था, वहीं मार्च 2019 में 25 करोड़ का, तो थोड़ा कर्ज़ा कम किया हुआ है। और इनके पास जो टोटल एसेट्स हैं, अगर कर्ज़े के मुकाबले भी हम कंपेयर करते हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं। 228 करोड़ के आसपास के यहाँ पे इनके पास संपत्ति है जो इनके ओवरऑल। तो ये रही स्थिति। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें, कैसी रणनीति बनाएं? जैसे कि आप देख ही चुके हैं कि जो बिज़नेस है इनका सकुमा एक्सपोर्ट का, अगर हम यहाँ पे कॉर्पोरेट प्रोफाइल बिजनेस वर्टिकल में जाते हैं, इंटरनेशनल देखते हैं, तो इनका जो एक्सपोर्ट का है, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, शुगर हो गए एंड ऑयल एंड सीड्स हो गए और ग्रेन्स हो गए, गेहूं चावल और दालें हो गई, राजमा वगैरह, मसाले हो गए और स्पाइसेस है ना, एनिमल फीड्स हो गए। तो इस प्रकार ये जो है कॉटन्स, इनके प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं और एक्सपोर्ट का काम करती है, तो काफ़ी अच्छा बिज़नेस था इनका, इसमें कोई दो राय नहीं। बिज़नेस है, अभी भी है, काम तो कर ही रही है, था नहीं। तो कंपनी अच्छी है, बशर्ते अभी उसका प्रदर्शन बहुत ख़राब चल रहा है और हमें इसमें निवेश अभी फ़िलहाल नहीं करना चाहिए। आने वाले 2-3 क्वार्टर एटलीस्ट हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि किस प्रकार के नतीजे और आ रहे हैं, क्या इनकी जो बिक्री हो रही है, जो इनका रेवेन्यू आ रहा है, जो नेट सेल्स है, क्यों इतना गिरा हुआ है, वो रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। और प्रमोटर्स ने ये तो मानते हैं कि चलो थोड़ा सा शेयर्स इन्होंने गिरवी रखे हुए हैं, तो सिंपल सी बात है कि गिरवी रख के इन्होंने कुछ पैसे वैसे उठाए होंगे, क्योंकि जब इनकी उतना रेवेन्यू कम हो गया, इनके नेट प्रॉफिट कम बच रहा है, तो इसका मतलब है सिंपल सा कि थोड़ा सा कुछ होता है पैसे को, लेनदारी वगैरह तो किया होगा, गिरवी रख लिया हुआ। लेकिन वही थोड़ी सी चिंता करने की बात है कि आने वाले समय में हमें रणनीति बनानी पड़ेगी। हालांकि ये बन चुका है एक पेनी स्टॉक, काफ़ी छोटा स्टॉक, और अगर हम कुछ वर्षों के देखते हैं, 2012 से और 13, 14, 15 के सेल्स का इतिहास इनका, तो काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ थी। अगर हम यहाँ पे इनके नंबर्स देखते हैं तो अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था मार्च 19 तक, तो इनके जो आंकड़े हैं, जो फिगर्स हैं, और काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। उसी प्रकार नेट प्रॉफिट में जहाँ 2012 में 7 करोड़ का हुआ करता था, तो 6 करोड़ का थोड़ा सा गिरावट, लेकिन 16 करोड़, 20 करोड़, 32 करोड़ प्रतिवर्ष बढ़ते हुए 36 करोड़, 49 करोड़, 70 करोड़ मार्च 19 तक था, फिर सीधे 2 करोड़ पे आ गया। वो थोड़ा सा इस क्वार्टर में जून 19 में थोड़ा सा चिंता करने का विषय। तो सिंपल सी बात है, इनकी सेल्स भी देखिए, ट्रेलिंग 12 मंथ में देखिए, अभी जो नेगेटिव में दिखा रहा है नेट सेल्स कंपाउंडेड जो ग्रोथ है, लेकिन 3 सालों का था 11% के आसपास, और जो प्रॉफिट ग्रोथ था 20% से ज़्यादा की थी 3 सालों की। 3 सालों के अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 25% के आसपास, तो अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, इसलिए एक मल्टीबैगर कहलाता था, लोगों ने काफ़ी कमाया भी होगा। और अभी भी देखा जाए 10 वर्षों में, 5 वर्षों में कुछ रिटर्न बचे हुए हैं ठीक ठाक। तो अभी जो भविष्य में इसको क्या कह सकते हैं, अभी लेने की तो कोई सलाह नहीं है। हाँ, जो लोग बने हैं तो मैं कहूँगा कि इतने लॉस में बेचने का कोई मतलब नहीं है। अगर डिविडेंड आपको मिल रहा है और तो आप बने रहिए, देखते हैं स्थिति क्या होती है 2-3 महीने बाद। तो फ्रेंड्स, अगर और कुछ आपको जानना या पूछना हो, क्योंकि देखिए कई चीज़ें इसमें मैटर करती हैं, नतीजे अच्छे नहीं, सेल्स किनकी कम हुई है, प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, गिरवी शेयर्स हैं, शेयर होल्डिंग इनके पास तो खैर ठीक है, माइक्रो कैप कंपनी है, क्योंकि माइक्रो कैप कंपनियों, अच्छा पूरे भारतीय बाजार, अच्छा होता क्या है कि इस पर डबल इसलिए मार पड़ रही है कि पूरे बाजार में भी लगातार गिरावट है पिछले 1-1.5 साल से, तो जो माइक्रो कैप कंपनियाँ होती हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर पड़ जाता है, और अगर नतीजे उनके और ख़राब आ गए तो उन पर तो और बिकवाली हो जाती है, लोग ट्रेडिंग भी कम कर रहे हैं इस वजह से थोड़ा सा इस पर। और तो यही है कि आने वाले समय के जो क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं उसी से हम रणनीति अच्छी बना सकते हैं। अगर अच्छे आए तो ठीक, अगर बुरे आए तो अभी किस लेवल पे ये टूट के जाएगा, ये भी थोड़ा चिंतित करने वाली बात है ना। तो ये है, तो बाकी डिविडेंड दिया है इसने, ये थोड़ा सा एक सहूलियत वाली बात है कि अपने निवेशकों को इसने डिविडेंड पे किया है, तो जो लोग निवेशित हैं उनको थोड़ा सा राहत भरी बात। आगे का देखते हैं बिज़नेस कैसा है। तो आज फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो में वाइंड अप करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई सुझाव हो या कुछ आप भी सकुमा एक्सपोर्ट के बारे में आपका कुछ व्यक्तिगत अनुभव कहना चाह रहे हो
तो होता क्या है कि अगर आप कमेंट करते हैं, देखिए बहुत सारी कंपनियों का मैं रिव्यू देता रहता हूँ, तो इतना ज्ञान एक साथ बैठ के बोलना, कलेक्ट करना, थोड़ा सा कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं, हो सकता है कुछ डेटा वगैरह या कुछ अंदर इंटरनली न्यूज़ेज आई हो, या हो सकता है कि कुछ प्रमोटर्स ने कुछ आके कहा हो, तो वो सब कुछ अगर आपको मालूम पड़ता तो ज़रूर कमेंट्स में, इसमें वीडियो में सेक्शन में आप मेंशन करें, ताकि बहुत सारे लोगों को जो है कुछ पता चल जाए जो लोग कमेंट्स वगैरह देखते हैं। तो एक प्रश्न के 1000 उत्तर अगर मिलते हैं तो हमें थोड़ा सा एक रणनीति बनाने में भी एक हेल्प मदद मिलती है कि इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। फिलहाल ये बहुत टूट चुका है, जैसे कि मैंने इसके नतीजे भी दिए आपको, लोगों को दिखाए। तो ज़रूर आपके शेयर, लाइक, कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।